अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर इनसाइट्स और मैं हूँ आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत अहम सोसाइटी की जो कि मौजूद है स्कीम 45 में, लेकिन साथ साथ हम आपको वो पांच ऐसे रीजंस भी बताएंगे कि क्यों आपके लिए प्रॉफिटेबल है और क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें। क्या वो ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सोसाइटी आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे चार चांद लगा देगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि एक ओपन हाउस कंडक्ट किया जा रहा है बरोज़ हफ्ता और इतवार यानी कि 7 और 8 मार्च को बरकात प्रेसिडेंसी की ऑन साइट लोकेशन पे, जहाँ पे आप ये सोसाइटी विजिट कर सकते हैं, हमारी टीम से भी मिल सकते हैं और इसकी तमाम एमिनिटीज़ के हवाले से जान सकते हैं। पेमेंट प्लान्स वगैरह सारी डिटेल में आपको समझाए जाएंगे। तो आप बिना किसी ताखीर के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, गेटेड कम्युनिटी। आज के ज़माने में सिक्योरिटी मेजर्स को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की प्रेफरेंस बनती जा रही है कि वो गेटेड कम्युनिटीज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि चार दीवारी के अंदर हो, सिक्योरिटी मेजर्स हों, CCTV कैमराज हों और हर तरह की अम्यूनिटीज़ उनको उसी सोसाइटी के अंदर मिल रही हों। ये अब लोगों की प्रेफरेंस बनती जा रही है और कराची जैसा शहर जहाँ पे हर महीने तकरीबन 45,000 बंदा माइग्रेट करके आ रहा है, ऐसे सोसाइटी में तो सिक्योरिटी मुसलसल अपनी इम्पोर्टेंस हासिल करती चली जा रही है। रीज़न नंबर 2, लोन फैसिलिटी। बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो आपको लोन की फैसिलिटी अवेल करने के लिए इजाज़त देती हैं। इस सोसाइटी में आप अपनी जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी साइकिल्स के मुताबिक लोन की फैसिलिटी भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसके प्लान्स भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान्स में देने होंगे। आपके लिए ये तमाम सिचुएशन काफ़ी आसान हो जाएगी। तीसरी फैसिलिटी, इन हाउस एमिनिटीज़। इन हाउस एमिनिटीज़ से मेरा क्या मुराद है, यानी कि आपको घर के अंदर ही क्या क्या एमिनिटीज़ मिलेंगी। कहने को तो लोग कहते हैं कि सिर्फ ये सारी बातें ब्रोशर्स और फ्लायर्स की जा रही होती हैं, मेन जो आपकी एक्चुअली जहां आप लेना शुरू करते हैं, घर में रहना शुरू करते हैं, वहां पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बरकात प्रेसिडेंसी में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि हम आपको बताते चलें कि आपका एक विला 155 स्क्वायर यार्ड पे होगा, तो उन 155 स्क्वायर यार्ड में आपके पास दो बहुत अहम फैसिलिटीज़ हैं। सबसे पहले आपको अपने विला में एक लॉन भी मिलेगा, जहाँ पे आप जैसे कहते हैं शाम की चाय पी सकते हैं, आप वहाँ पे अपना एक बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम चीज़ जो यूजुअली कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं मिलती, वो है कि बरकात बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपनी तमाम कंस्ट्रक्शन में आपको किचन तक बना कर देंगे। रीज़न नंबर 4, NOCs। एक बहुत अहम सवाल जो लोगों का उठता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर तो देते हैं सोसाइटीज़ के हवाले से, लेकिन फिर वही सोसाइटीज़ घाटे में आती हैं। उन्हीं सोसाइटीज़ पे कोई हाथ नहीं रखना चाह रहा होता, क्योंकि उनका लीगल स्टेटस बे इंतहा अनक्लियर होता है। तो बरकात प्रेसिडेंसी बाय बरकात बिल्डर्स एंड डेवलपर्स NDA एंड SBA से मंजूर शुदा है। अगर आप चाहें तो हम आपको इनके सीरियल नंबर्स, NOC नंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारे फ़ोन नंबर्स पे हमसे रابطہ करना है ताकि हम आपको इसकी सारी डिटेल्स दे सकें। और सबसे अहम रीज़न नंबर 1, बरकात प्रेसिडेंसी है ऑफिशियली मार्केटेड बाय रेड बॉक्स, यानी कि जब आप यहाँ पे ऑन लोकेशन विजिट करेंगे आपको हमारी टीम वहाँ पे मौजूद मिलेगी, जो कि आपको तमाम सिचुएशंस में गाइड भी कर सकती है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोकेशंस के विजिट भी करवा सकती है, बिल्डर से भी मिलवा सकती है और तो और तमाम पेमेंट प्लान्स आपको आपकी फीजिबिलिटी के मुताबिक एक्सप्लेन भी कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप बरकात प्रेसिडेंसी के हवाले से मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट करके तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।